हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में फिर से लोडिंग दिखाएंगे और वो है हमारा अबाउट वाला जो डेटा आ रहा है यहाँ पर वेलकम टू डेमो जो भी है उसका। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हम जाएंगे फिर से कंपोनेंट्स के अंदर, होम पेज के अंदर चलते हैं, अबाउट में जाना पड़ेगा, अबाउट JS, और मेन स्लाइडर या कोई भी एक कंपोनेंट खोल दो और उसके अंदर ट्राई कैच का ब्लॉक जो है हम लोग इसको कॉपी करेंगे फिर एक बार, और फिर से अबाउट में जाएंगे और यहाँ पर सिंपली उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये जब पेस्ट होता है तो सिंपली फिर से क्या है यहाँ पर देखिए, मेन स्लाइडर नहीं, अब ये क्या होगा, अबाउट होगा, हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये अबाउट वाला डेटा है और यहाँ पर मैं अबाउट डाल दूंगा, यहाँ पर भी मैं अबाउट डाल दूंगा और यहाँ पर भी मैं अबाउट डाल दूंगा और यहाँ पर डेटा डॉट अबाउट अस आने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब निकल जाएंगी और तीन एक्शंस हमारी बन चुकी है। देखिए, अबाउट रिक्वेस्ट, अबाउट सक्सेस और अबाउट फेलियर, और इसका URL भी देखिए सेम ही है। देखिए, अगर हम लोग ने देखा तो देखिए ये वाला हमारा जो URL है वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए इतना तो काम हो गया, अब क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं और ये एक्शंस बनाते हैं फटाफट। तो एक्शंस बनाने के लिए मैं फिर से क्या करता हूँ ना, मेन स्लाइडर, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर रिडक्स में चलते हैं, एक्शंस में चलते हैं, होम पेज के अंदर मेन स्लाइडर एक्शंस को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और अबाउट एक्शंस के अंदर जाता हूँ, और ये वाली मुझे अभी नहीं चाहिए तो इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और जो मेन स्लाइडर है इसको हटा के हम लोग क्या डालेंगे, अबाउट। ओके, क्योंकि वहाँ पर हम लोग ने अबाउट डाला था और ये अबाउट वाले एक्शन से। ठीक है, तो फेच अबाउट रिक्वेस्ट, अबाउट सक्सेस, अबाउट फेलियर, ओके फाइन। तो टाइप भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पर अंडरस्कोर जो है यहाँ पर डाल देंगे अबाउट, कुछ इस तरह। ठीक है, अबाउट रिक्वेस्ट, सक्सेस और फेलियर, और ये सब कुछ सेम रहने वाला है, एरर डेटा और यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं है, जो लोडिंग डाल देंगे आगे। ठीक है, वैसे ही एक्शन टाइप्स जो है हमारे, तो टाइप्स में जाकर एक्शन टाइप्स में चलते पहले, और टाइप्स में मुझे अबाउट ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर, देखिए ये मिल गया मुझे, तो सिंपली ये क्या है, 2, 3 और 4 बेसिकली, और ये पहले वाला था वो हम लोग ने कमेंट कर दिया, और यहाँ पर क्या है, अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, ओके कुछ इस तरह। इसके बाद ये क्या आने वाला है, अंडरस्कोर सक्सेस, और यहाँ पर क्या आएगा, अंडरस्कोर फेलियर, ओके फेलियर कुछ इस तरह। ठीक है, तो टाइप्स भी हमारे रेडी हो चुके हैं और अभी चलना पड़ेगा रिड्यूसर के अंदर, तो चलिए फटाफट रिड्यूसर के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर रिडक्स रिड्यूसर होम पेज के अंदर अबाउट रिड्यूसर, ओके, तो ये फिर से मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर तीन केस आएंगे, ओके तो कुछ इस तरह तीन केसेस हमारे आने वाले। तो फेच अबाउट में फिर से ये रिक्वेस्ट है, इसके अंदर हमारा सक्सेस है और इसके अंदर हमारा क्या है, फेलियर है। ठीक है, चलो बढ़िया है, तो इसमें फिर से क्या होने वाला है, अबाउट, चलो ये फिर से इनिशियल स्टेट हो जाएगा, INITIALSTATE इनिशियल स्टेट, इसका इनिशियल स्टेट। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, चलो आगे बढ़ो, यहाँ पर इज लोडिंग जो है यहाँ पर फॉल्स रहेगा, एरर नल रहेगा। ठीक है, तो और ये भी मैं नल ही रखूँगा शुरू में, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, अबाउट नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इज लोडिंग जो है इसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एरर जो होगा फॉल्स हो जाएगा, ओके, और यहाँ पर ये तो ठीक है, और यहाँ पर लोडिंग जो है वो फॉल्स हो जाएगा, एरर भी ऑफ कोर्स फॉल्स ही रहेगा, और यहाँ पर एक्शन भी लोड आएगा डेटा के अंदर, तो ये हमारा डेटा आने वाला है, और यहाँ पे भी लोडिंग जो है फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पर है ना हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे एरर में एक्शन पे लोड आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एरर मैसेज आएगा, यहाँ पर डेटा आएगा और यहाँ पे लोडिंग ट्रू होने वाला है, राइट। तो रिक्वेस्ट सक्सेस फेलियर इसका भी रेडी हो चुका है, किसका रेडी हो चुका है, अबाउट रिड्यूसर का। तो चलिए अबाउट रिड्यूसर में फिर से चलते हैं और यहाँ पर
अबाउट डेटा की ऑलरेडी तो यहाँ पर आ चुका है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे देखिए पॉइंट्स कुछ इस तरह निकाले हम लोगों ने, और मुझे लगता है पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर मैप है, मतलब ये एरे है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे ना ये कुछ इस तरह लिखने के बजाय हम क्या करेंगे यहाँ पर, डिस्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रक्चर करने के लिए अबाउट डेटा आएगा, इज लोडिंग आने वाला है, एरर आने वाला है, और क्या है पॉइंट्स भी है ना, तो पॉइंट्स भी कुछ इस तरह हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूज सिलेक्टर में जाकर स्टेट स्टेट डॉट अबाउट रिड्यूसर, ओ आई एम सॉरी, में से मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अबाउट डेटा पॉइंट्स तो आ गए, चलो अच्छी बात है। और अभी हम यहाँ पर फिर से वही चीज़ करेंगे, क्या इफ लोडिंग, लोडिंग नहीं, इज लोडिंग अगर ट्रू है तो रिटर्न करो लोडिंग वाला, सॉरी इज लोडिंग, मैं काम करता हूँ यहाँ से आपको, ये ऑटो इम्पोर्ट नहीं होता, कभी कभी होता है, आई डोंट नो, कभी कभी नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ यहाँ से। हम लोग ना कॉपी पेस्ट करेंगे कहाँ से, मेन स्लाइडर में से। ठीक है, तो मेन स्लाइडर में सिंपली मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और डाल देता हूँ अबाउट जेएस के अंदर कुछ इस तरह। ठीक है, बस हमें क्या करना है, ऑटो इंपोर्ट करना है, ये देखिए अभी हो रहा है ऑटो इंपोर्ट, और यहाँ से भी हम ऑटो इंपोर्ट कुछ इस तरह कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया, तो ये चलो अच्छी बात है। और यहाँ पे अबाउट आएगा, मेन स्लाइडर नहीं आएगा, और ये एरर तो बढ़िया जा रहा है, और यहाँ पे हमारा अबाउट डेटा का ऑलरेडी डेटा अवेलेबल दिख रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे तो नहीं लग रही। तो चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ, और मुझे लगता है ये एक्शंस हाँ इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी। देखिए यहाँ पर ये एक्शंस जो बनाए हम लोग ने, मैं इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ, ये भी मैं ऑटो इम्पोर्ट कर ले रहा हूँ, और ये भी। ठीक है, तो ये एक्शंस जो है कुछ इस तरह यहाँ पर देखिए इम्पोर्ट हो चुकी है, राइट। अभी एक बार टेस्ट कर लेते हैं, देखिए अबाउट नॉट फाउंड, चलो ठीक है, मैं एक बार इसको पहले तो ये इंस्पेक्ट एलिमेंट करके निकाल के रख देता हूँ कंसोल में, और दूसरा जो है यहाँ पर नेटवर्क, नेटवर्क में थ्रॉटलिंग जो है इसको फास्ट 3G करेंगे ताकि हमें दिखाई दे। तो अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देखिए लोडिंग फ्रॉम अबाउट आ रहा है, बढ़िया है, और अबाउट नॉट फाउंड, यस, तो ये भी हमारा काम देखिए सक्सेसफुली हो चुका है। तो अगर मैं अबाउट का डेटा फिर से लेकर आऊं, यानी मेरा कहने का मतलब है अगर ये ठीक ठाक कर दूं, तो यहाँ पर मुझे अबाउट का डेटा भी लोडिंग फ्रॉम के बाद यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए पॉइंट्स नहीं आ रहे, तो वो भी देखना पड़ेगा, और मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए लोडिंग फ्रॉम अबाउट आ जाना चाहिए, और उसके बाद डेटा आना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा यूआरएल सही है, राइट। हाँ यस, तो पॉइंट नहीं आ रहे, पॉइंट इसीलिए नहीं आ रहे, मुझे लगता है हम लोगों ने ना यहाँ पर कुछ किया है, राइट, ये इस तरह डिस्ट्रक्चर किया है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, पॉइंट्स को हम लोग डिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा अबाउट डेटा ऑलरेडी हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना मैं क्या करता हूँ ना, इसको कॉपी करके पॉइंट्स जहाँ पर है वहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह मैंने डाल दिया, और अभी मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो देखिए हमारा डेटा आ जाएगा। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी पहले तो लोडिंग आ जाना चाहिए, लोडिंग फ्रॉम अबाउट, और देखिए हमारा डेटा आ चुका है, इसका मतलब ये सही काम कर रहा है। चलो ये भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनका डेटा हम लोग ने चेक नहीं किया था, मैंने सिर्फ एरर ही डाल दिया था, राइट। तो यूट्यूब के लिए फिर से मुझे यूट्यूब में जाना पड़ेगा, मुझे लगता है यूट्यूब कंपोनेंट्स के अंदर, होम पेज के अंदर, यूट्यूब, यूट्यूब जेएस के अंदर, और इसका यूआरएल ठीक कर लेते हैं, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे यूट्यूब का डेटा दिखना चाहिए, मतलब ये जो बैकग्राउंड है चेस, तो यहाँ पर देखिए इसका डेटा सही दिख रहा है, और ये क्लिक भी हो रहा है, इसका वीडियो भी ऑन हो रहा है, इसका इस क्लिक वाला स्टेट हम लोग निकाला था, फिर भी अभी देखिए क्योंकि ये अलग से मॉडल जेएस के अंदर से आ रहा है, इसलिए वीडियो ऑन हो रहा है। मेन स्लाइडर भी एक बार ज़रा टेस्ट कर लेते हैं, मेन स्लाइडर के लिए फिर से मेन स्लाइडर जेएस के अंदर इसकी भी यूआरएल ठीक ठाक कर लेंगे, सेव किया मैंने और रिफ्रेश, तो पहले लोडिंग फ्रॉम मेन स्लाइडर आ जाना चाहिए और फिर हमारा डेटा आ रहा है, बढ़िया है, तो ये भी सही काम कर रहा है। और उसी तरह हेडर तो हम लोग ने ऑलरेडी टेस्ट किया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात वैसे नहीं है, तो यहाँ पर
सेव किया, रिफ्रेश किया और पहले फिर से वापस हेडर लोडिंग आएगा, यानी सब लोडिंग आएंगे, ठीक है। तो ये भी बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब देखिए सारी चीज़ें हमारी सही से काम करे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको रॉन्ग वाली यूआरएल ही रख देते फिलहाल सभी में, क्योंकि ना सामने सारी चीज़ें दिख रही है ऊपर, ओके। तो इसके इसके लिए मैं इसको भी रॉन्ग यूआरएल ही डाल के रख देता हूँ अबाउट में, तो सारी चीज़ें क्या हमें सामने सामने दिखाई देगी। ओके गाइस, तो आई होप चीज़ें समझ में आई हैं। तो अबाउट के लिए भी हम लोग ने वही चीज़ की है, अबाउट लोडिंग फ्रॉम अबाउट और अबाउट नॉट फाउंड, ओके। और इस वीडियो में मुझे लगता है यहाँ पर हम लोग ने क्या किया है, इसके लिए भी लोडिंग डाला है और एरर डाला है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।